भूकंप से नेपाल में भयंकर तबाही, अब तक 128 लोगों की मौत, दीवारों पर आ गई बड़ी बड़ी दरारें, सड़कें टूट गईं, पूरा घर जमींदोज हो गया। भारत से सटा नेपाल एक बार फिर से भूकंप का दर्द झेल रहा है। शुक्रवार 3 नवंबर को देर रात आए भूकंप ने नेपाल में भयंकर तबाही मचाई, जिसमें अभी तक 128 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हैं, सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भूकंप से मची भयंकर तबाही का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मरने वालों की संख्या नेपाल में बढ़ सकती है। बता दें कि नेपाल में आए भयंकर भूकंप के झटके उत्तर भारत से लेकर राजधानी दिल्ली और NCR तक महसूस किए गए। वहीं नेपाल में विनाशकारी भूकंप की वजह से हर तरफ तबाही नजर आ रही है। नेपाल सरकार के मुताबिक राहत और बचाव कार्य जारी है। इमारतों के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसे हटाने का काम चल रहा है। कई घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। नेपाल में आए इस भूकंप का केंद्र कहां था और नेपाल में भूकंप ने किस कदर तबाही मचाई है, उसकी पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। नेपाल में शुक्रवार देर रात करीब 11:47 पर विनाशकारी भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी कि NCS के अनुसार 3 नवंबर को रात लगभग 11:47 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.4 मापी गई है। भूकंप के कारण करनाली प्रांत के जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सलियान और अन्य जिलों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। जाजरकोट जिले में नलगढ़ नगर पालिका की उप प्रमुख सरिता सिंह की भी भूकंप में मौत हो गई है। भूकंप का केंद्र नेपाल में अयोध्या से लगभग 227 किलोमीटर उत्तर और काठमांडू से 331 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई में था। बताया जा रहा है कि भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। नेपाल में एक महीने में तीसरी बार तेज भूकंप आया है। भूकंप के झटके दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए, जिसके चलते ऊंची इमारतों में रहने वाले कई लोग बाहर निकल आए। नेपाल के जाजरकोट भूकंप में नलगढ़ नगर पालिका की डिप्टी मेयर सरिता सिंह समेत 128 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। नेपाल पुलिस के मुताबिक भूकंप के कारण पुराने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। रुकुम पश्चिम जिला के 8 बिस्कोट नगर पालिका 11 की लक्ष्मी बिक और उनकी 4 नाबालिग बेटियों समेत 15 लोगों की यहां मौत हो गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भूकंप के कारण जान माल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। नेपाल के PMO ने ट्वीट किया है और लिखा है कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने शुक्रवार रात 11:47 पर आए जाजरकोट के रामीडाडा में भूकंप से मानवीय और घरों की क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया है। घायलों के तत्काल बचाव और राहत के लिए सभी 3 सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया है। वहीं उन्होंने देश के भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा करने का भी फैसला किया है। उधर PM मोदी ने भी नेपाल में भूकंप के कारण हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है और लिखा है कि भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोकयुक्त परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बता दें कि नेपाल में बीते कुछ सालों से भूकंप की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। इस भूकंप ने नेपाल में भयंकर तबाही मचाई है। इससे पहले साल 2015 में 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें 12,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और हजारों घर ध्वस्त हो गए थे। और अब एक बार फिर से नेपाल भूकंप का दंश झेल रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।